ऐसे लोग जिन्होंने सिस्टम की बजा डाली। सबसे पहले एक शख्स एक रेस्टोरेंट में गया तो वेटर्स ने पूछा कि आप क्या लेंगे, उसने कहा नथिंग, तो वो प्लेट में नथिंग लिख कर ले आया और 2200 रुपए का बिल भी खत्म। बाय बाय टाटा। नेक्स्ट एक बच्चे की मम्मी ने उससे कहा कि बेटा घर से बाहर कदम रख ही मत दियो वरना जल्लूस ही निकाल दूंगी तेरा। तो इस बेचारे बच्चे ने सिर्फ कदम ही बाहर नहीं रखा। नेक्स्ट एक आदमी ने डिलीवरी बॉय से कहा कि मेरा ऑर्डर डोर मैट के नीचे छिपा के रख जाओ, तो डिलीवरी बॉय ने ऐसा ही किया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखे। नेक्स्ट गर्मियों में स्कूल के बॉयज को शॉर्ट्स पहनने के लिए मना कर दिया गया था, बॉयज को, लेकिन गर्ल्स की स्कर्ट भी तो शॉर्ट होती है, उसे मना नहीं किया गया था। तो अगले दिन बॉयज ने ये किया। ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी से खेलते हुए पकड़े गए। सबसे पहले ये आदमी क्रोकोडाइल्स को खाना फेंकता है तो सारे उसे खाने को भागते हैं, लेकिन उनमें से एक शायद कुछ और ही खाना चाहता है और जैसे ही वो ऊपर आता है तो ये उसे मारकर भगा देता है। सोचो अगर ये बंदा फिसल कर पानी में गिर जाए। नेक्स्ट ये आदमी खतरनाक ततैये का छत्ता तोड़कर जल्दी से विंडो बंद कर देता है, लेकिन ये जानता नहीं कि ये इंसान का चेहरा भी पहचान सकते हैं और अगर चचा के साथ कुछ ऐसा सीन हो जाता तो खत्म। बाय बाय। नेक्स्ट केरल के सुरेश भाई एक कोबरा को गर्मी में ठंडा करने के लिए पानी से नहला देते हैं और उसके बाद उसे पुचकारने लगते हैं। सुरेश भाई अगर उसने पुचकार लिया ना तो तुम्हें ठंडा कर देगा वो। ये है वीनस फ्लाई ट्रैप, दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग मांसाहारी प्लांट जो कि कीड़े मेंढक छिपकली सब खा जाता है। इसकी पत्तियां ऐसे दो हिस्सों में खुली रहती हैं। फिर जैसे ही कोई मासूम जानवर इसकी खूबसूरत गुलाबी पत्तियों पर बैठता है और इन लाल बालों को टच करता है तो पत्तियां एकदम से बंद हो जाती हैं और फिर असली खेल शुरू होता है। जाल में फंसा लेने के बाद ये प्लांट डाइजेस्टिव एसिड रिलीज करता है जो कि इंसेक्ट को गलाकर उसके छोटे छोटे पीस करके सूप बना देता है, जिसे पीकर ये अगले शिकार के लिए फिर से खुल जाता है। आपने कभी सोचा है कि प्लास्टर कटर प्लास्टर को तो आसानी से काट देता है, लेकिन इंसान के हाथ को कभी क्यों नहीं काटता? क्योंकि मेरे हिसाब से तो इसे इंसान के हाथ के दो हिस्से कर देने चाहिए। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि बाकी कटर्स की तरह प्लास्टर कटर का ब्लेड गोल गोल नहीं घूमता। अब गाली देने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। प्लास्टर कटर का ब्लेड गोल नहीं घूमता बल्कि तेजी से वाइब्रेट करता है, इसीलिए इस कटर को गुब्बारे जैसी सेंसिटिव चीज पर चलाने से भी गुब्बारा नहीं फटता। और अगर आप इसे इंसान की खाल पर चलाते हो तो खाल इसके साथ साथ वाइब्रेट करेगी और बिल्कुल भी नहीं कटेगी। ये है हैमर हेड वर्म, हथौड़े जैसे सर का कीड़ा। ये एक ऐसा मासूम जानवर है जो अगर आपको घर में दिखे तो तुरंत मार दो, ऐसा कहना है साइंटिस्ट का, क्योंकि ये नॉर्मल अर्थवॉर्म को मारते हैं जिससे हमारे पूरे इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है। लेकिन मेरे हिसाब से तो इस बेचारे मासूम बेगुनाह को मारना नहीं चाहिए बल्कि काट देना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है क्योंकि इससे एक का डबल हो जाएगा। अगर आप इसके 10 हिस्से भी कर दोगे तो वो रीजनरेट करके 10 नए वॉर्म्स बन जाएंगे। इसीलिए इसे बिना छुए एक जार में बंद करके उसमें नमक या विनेगर डाल के खाना बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये जहरीला होता है, बल्कि इसे फ्रीजर में रखना है 2-3 दिन के लिए, ये खुद ब खुद घुल जाएगा। लेकिन इतनी टेंशन कौन पालेगा? छोड़ो यार, मेरे हिसाब से तो किसी भी जानवर को बिना वजह नहीं मारना चाहिए। कल को साइंटिस्ट की थ्योरी बदल गई तो पता चला यही सबसे इंपॉर्टेंट जानवर था वातावरण के लिए। फिर